गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपका दोस्त मोहम्मद मुनीर एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छा एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो आपको बताना चाहेंगे कि लाइक हम लोग अगर इंग्लिश बोलने से रिलेटेड अगर सोचते हैं और खूब प्रैक्टिस करते हैं और जा करके यूट्यूब पे हम लोग न जाने कितने स्पीकर को सुनते हैं। सो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पर है कि ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। हम लोग आजकल बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, बिकॉज हम अभी से लगभग अगर 4-5 साल पहले अगर उसको सोचा जाए तो हमारे लिए इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन अब सब कुछ ईजी हो गया है। बट एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि लाइक हम लोग जो सोचते हैं कि जा करके हम लोग जाएंगे यूट्यूब पे एंड बहुत सारे स्पीकर को सुनेंगे और हम सीख जाएंगे, तो दोस्त आप मिस्टेक कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत सुने, आप सुने, डेफिनेटली सुने, बस सुनने के साथ साथ आप इम्प्लीमेंट करें, आप उस पर एक्शन लें। और इसी पे मैं बात करने वाला हूँ। आप जो जानते हैं, अगर आप जानते हैं व्हाट तो व्हाट बोले, अगर आप जानते हैं व्हेन तो व्हेन बोले, लेकिन बोले, आप एक्शन लें। अगर आप एक सेंटेंस जानते हैं, आई एम गोइंग टू कोलकाता, वेरी सिंपल सेंटेंस, मैं कोलकाता जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ, उसको बोलें। बिकॉज हम भी बहुत बहुत मतलब सालों हम बाहर शहर में रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखे हैं जो अच्छे डिग्री लेने के बावजूद भी अगर वहाँ पे एक सेंटेंस बोलने की बात आती है तो वो लोग स्टक हो जाते हैं वहाँ पर। वाई? बिकॉज उनको हैबिट नहीं। जाते तो हैं, ट्रांसलेशन खूब उन्होंने बनाया, मार्क्स खुद खूब खूब उन्होंने बटोरा, लेकिन When it came to speak, जब वो प्रैक्टिकली बोलने की बात आई तो कभी उन्होंने ट्राई किया ही नहीं। और एक चीज़ और बता दूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू बिहार, बिहार से मैं आता हूँ, यहाँ का जो सिस्टम है मैट्रिकुलेशन तक मेरे ख्याल से शायद 12वीं तक इंग्लिश को ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। एंड 12वीं के बाद नो इनफैक्ट 12वीं में 11 तक समझ लो कोई इम्पोर्टेंस नहीं। आप फेल भी होती हो तो डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 12वीं में फेल होते हो तो फेल होते हो, उसके बाद फेल होते हो तो फेल होते हो, और उसके बाद ऑलमोस्ट बहुत सारे बुक्स 80% ऑफ बुक्स सब कुछ इंग्लिश में हो जाता है। तो अचानक से हमने इंग्लिश पढ़ा नहीं, जाना नहीं, और सब कुछ हमें उसमें आ गया तो कैसे कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा एक सिंसियर एडवाइस है डैट कि जो आप जानते हैं, यू नो, जो आप जानते हैं उसको आप एक्शन लें उस पर एंड कीप टेकिंग एक्शंस। बोलें, बोले बोले, आप देखेंगे एक्शन एक जादू जैसा काम करता है। बोलते ना, प्रैक्टिस 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 मेक्स परफेक्ट मैन, एंड इट इज रियली में। कभी ये ना सोचे कि आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, आई एम फ्रॉम दिस मीडियम, आई एम फ्रॉम बिहार बोर्ड और आई एम फ्रॉम दिस बोर्ड, CBSE के बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। नो, एनी वन कैन स्पीक, बट फॉर दैट एक चीज है कि जो आप जानते हैं उसको बोले, अंदर से निकाले। जब आप अंदर से निकालेंगे और अंदर में जमा होगा, यू नो दिस इज द सिस्टम, यूनिवर्स का ये सिस्टम है। जैसे मेरा माइंड अगर ये पूरा खड़ा हुआ है, इसमें और कोई चीज डालेंगे तो नहीं आएगा। आप सुने होंगे बहुत सारे स्पीकर को बोलते हुए, लेकिन कभी इस पर हम लोग ने गौर किया नहीं, कभी नहीं। लेकिन अब आप करें, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, देखेंगे जादू होगा, मैजिक विल हैपन, डेफिनेटली आई एम श्योर। सो उम्मीद करते हैं कि आज से आप एक्शन लेंगे।